हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री फायर थंबनेल बना सकते हो लाइक हैप्पी प्रिंस गेमिंग या फिर फायर आइस गेमिंग की तरह। देखो, हैप्पी प्रिंस गेमिंग और फायर आइस गेमिंग के जो थंबनेल्स होते हैं वो एक से रहते हैं, सिंपल रहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं रहता है। बट यार एक बात बता दूँ, इनके जो थंबनेल्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, मतलब कम से कम 2-3 एप्लीकेशन का यूज़ होता है उसके बाद इनके थंबनेल्स बनते हैं। बट यार यहाँ पर आपका भाई सिर्फ आपके लिए लेकर आया है, ओनली फॉर पिक्सल लैब एप्लीकेशन आप यूज़ करना, ओनली कुछ यूज़ मत करना, पिक्सल लैब एप्लीकेशन यूज़ करना। और सिर्फ पहली बार भी अगर यूज़ करोगे, जैसे कि आप जानते हो यार मैं अपने वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से स्टेप्स लाता हूँ ताकि आप हर कोई नया बंदा भी बना पाए। बस आप लोगों का, नए बंदों का मैं ज़्यादा ही ख्याल रखता हूँ जो यार पहली बार या जिन्हें ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना, बस वीडियो को ध्यान से देखना, आपका फ्री फायर थंबनेल बन जाएगा लाइक हैप्पी प्रिंस गेमिंग की तरह। तो चलिए भाई वीडियो को एक लाइक कर देना। पिछली बार 1000 लाइक के वीडियो पर रखा था आपने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, कंप्लीट करा दिया था। इस बार भाई 2000 लाइक है, मैं प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये रही पिक्सल लैब एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन करता हूँ। और भाई देखो, इसको क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना ऐसे करके, ठीक है। इसलिए मैंने रोटेट कर लिया ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। कॉर्नर पे देखो, ऊपर सीधे हाथ पे देखो 3 डॉट है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऊपर कॉर्नर पे ये रहा रेड एरो जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना 3 डॉट पे, और आपको जाना है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, PNG जो भी यूज़ करूँगा, उसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ईजी तरीके से, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर हम जो PNG यानी कि जो इमेज है उसको ले लेते हैं, और यहाँ पर इस इमेज को मैं ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे क्रॉप कर लो। क्रॉप करने के बाद इसको ओके कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है इसको तो सबसे पहले डिलीट कर दो, कॉर्नर पे ऊपर से डिलीट कर दो। यहाँ पर डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद आपको देखो एक काम करना है, यहाँ पर जाना है प्लस वाले आइकन पर और टेक्स्ट में जाना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में टेक्स्ट, अगर आपको नहीं पता, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, तो इसका भी लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही टेक्स्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर आपको लिख लेना है, तो आप जो है वो लिख सकते हो। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेडशॉट और इसको यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस जाना है। ये देखो यहाँ पर नीचे देखो ए बना हुआ है टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर फॉन्ट जो है इसको मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन होगा फॉन्ट का, ये देखो ये रहा फॉन्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको माई फॉन्ट में जाना है, जो भी आप ये जो फॉन्ट डाउनलोड करोगे ना, जो मैं आपको दूंगा वो माई फॉन्ट में आता है, ठीक है। तो माई फॉन्ट में यहाँ पर क्लिक कर देना और ये रहा देखो ये फॉन्ट आ जाएगा, इसको ओके कर देना। देखो सिलेक्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से, हम यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इतना ठीक रहेगा, हाँ सही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर इतना कर लिया। और अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक काम करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, मतलब बड़ा साइज़ जो है आपको अपने हिसाब से ले लेना, जितना आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने ले लिया, इसको ओके कर देना। अब आपको जाना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्ट्रोक का, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रोक देना होगा। कहाँ गया स्ट्रोक का ऑप्शन, यहीं पर लाइन में होगा, तो ये रहा स्ट्रोक का ऑप्शन, ये रहा, तो स्ट्रोक का ऑप्शन ये है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ को हमको थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देना है लगभग, ठीक है, इतना स्ट्रोक कर देना है, 10-11 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 10-11 कर दिया, देखो स्ट्रोक को ऐसे बढ़ा दोगे हो जाएगा। ऊपर सही का बटन, इसको क्लिक कर देना, हेडशॉट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा शेडो का, देखो शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसको इनेबल कर दो, ठीक है। शेडो जो हमने इनेबल कर दिया और इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा इनर शेडो का, तो इनर शेडो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये रहा इनर शेडो का। देखिए सब ऑप्शन यहीं पे है, कहीं पे भी आपको जाने जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखना सारे ऑप्शन यहीं पे मिल जाना, बस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर ना समझा तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेना, मतलब फिर से देख लेना बैक करके। तो यहाँ पर इनर शेडो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो और इसको इनेबल करो। अब यहाँ पर जो ब्लर रेडियस है इसको आपको थोड़ा देखो, ये जो है 3 है, इसको आपको माइनस कर, मतलब बिल्कुल ऐसे कर देना, ये ऐसा नहीं करना है, इसको इधर कर देना, 0 कर देना ब्लर रेडियस ऊपर वाला। और जो ऑफसेट एक्स है इसको अपने हिसाब से आप -4 या फिर 5 कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा -4 या 5, चलिए इसको हम फटाक से एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको उसके बाद क्या कर देना, ओके कर देना, ये हो चुका। अब यहाँ पर आपको देखो कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक, अब ध्यान से देखते रहना वीडियो, एक कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है
और ग्रेडियंट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट कौन सा लेना है, ये वाला कलर, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा, देखो ये रहा, मैं आपको दिखाऊँ बहुत सारे ग्रेडियंट, तो ये कलर ले लेना ग्रेडियंट, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और अगर आप बनाना नहीं आता ग्रेडियंट तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना, और ये जो है ना यहाँ पर ये आ रहा है, तो इस पर देखो कलर का नीचे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी कलर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, येलो कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और जो बीच वाला जो है इसको अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और नहीं बनाना आता है तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे आप नॉर्मल कलर डाल लेना है, कोई ज़रूरत नहीं ग्रेडियंट करने की, ठीक है, हल्के हल्के तो आज सीख पाओगे ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ग्रेडियंट से ये होता है थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने हेडशॉट लिखा, और इसके बाद एक काम मुझे और करना है यहाँ पर, अब आप ध्यान से देखते रहना, इसको कॉपी कर लेना, ये जो टेक्स्ट है इसको सेम आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, ये आ गया। अभी क्या होगा, मुझे फिर से एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, इसको मैं यहाँ पर दूसरा अपना जो भी लिखना होगा उसको लिख लूँगा। तो अगर आपने मेरा पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी होगी बहुत बनाने में। तो यहाँ पर लिखा मैंने, डन कर दिया, ओके कर दिया, बस कलर मुझे इसका चेंज करना होगा ताकि सेम अच्छा कलर लगे। तो यहाँ पर मैं कलर जो है इसका दूसरा कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखो इसको वाइट कलर कर रहा हूँ, ठीक है, चाहो तो ये भी कलर कर सकता हूँ, बट नहीं मैं वाइट करना है तो वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब एक काम यहाँ पर आपको ये करना है, प्लस के आइकन पर जाओ, ठीक है, और शेप वाले ऑप्शन पे जाओ, देखो पिछले की तरह वीडियो है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। और यहाँ पर जो शेप्स है ना इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है ब्लैक, ब्लैक करा, डन कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ऐसे रोटेट कर लेना है इसी के हिसाब से, जैसे अपना जो ये मैंने लिखा हुआ है इसको यहाँ पर इसी के हिसाब से करना है, इसके ऊपर रखना है, ठीक है। पिछली बार थोड़ा सा वैसे करके बताया था, इस बार बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा ईजी है यार पिछली बार की तरह। और यहाँ पर इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, अब क्या करना है, इसको आपको इस जो ये जो है ना हमारा, इसको कॉपी कर लेना है, आपको जो शेप्स लिया इसको यहाँ पर प्लस के, देखो ये जो है ना एक ही पड़ोस में एक गोला ऐसा बना हुआ, उस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन इसका आ जाएगा, और यहाँ पर कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे छुपा देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिट ला के इसको ऐसे लगा छुपा देना यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, अब इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन ओपन है ना, इसको आपको कह रहा है टू बैक करना है, ऐसे टू बैक कर दो, और इस पर भी क्लिक करो, इसको भी टू बैक कर दो, जो हमारा ये था शेप्स। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, ये देखो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पे एरो आ रहा है इस पर क्लिक करो और इन सबको लॉक कर दो, तो यहाँ पर लॉक कर दो, चलो ये दो इस पर टिक कर दो, ये देखो लॉक हो चुके हैं आप इसे देख सकते हो, और यहाँ नीचे ग्रीन ग्रीन कलर, इस पर क्लिक कर दो, ये बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस उसी पे क्लिक कर दो, यहाँ पर रेड और पीछे लगे, अब यह क्या होगा, आप इस पर टच करोगे तो ये हिले डुलेगा नहीं। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, एक PNG लगाना होगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करो, फ्रॉम गैलरी में जाओ, गैलरी में जाकर यहाँ पे जो मैंने PNG लिया है येलो कलर का, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ये कहाँ गया भाई, आ जा, ये रहा, इसको देखो ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और इसको ऐसे करके ऊपर से यूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको ले आना है, ओके कर देना है। अब क्या करना है, इसको मतलब ओके कर देना, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अब एक जो PNG है पर थोड़ा बस और एडिटिंग रहेगी, यहाँ पर आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करो, फ्रॉम गैलरी में जाओ, और जो हमारी जो भी गन की स्किन आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले नंबर तो मैं इसको लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा एडिटिंग पूरी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे करके, ओह ये तो हट गया, कोई नहीं, तो इसीलिए बोलता हूँ यार, देखो मैंने भी क्लिक करा तो नीचे वाला भी क्लिक हो गया, तो इसीलिए बोलता हूँ लॉक कर लिया करो ऊपर, यहाँ से देखो क्लिक करके इन सबको लॉक कर लो। लॉक करने से क्या होगा, फिर उसके बाद एडिटिंग करते रहो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब हिलता डुलता नहीं है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे करके ले आए यार, यहाँ पर भी आप ला सकते हो, या यहाँ पर भी कॉर्नर पर भी लगा सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दिया। एंड इसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर जाओ, फ्रॉम गैलरी में जाओ, और जो यहाँ पे मैं गन की स्किन यूज़ करूँगा, अगर आप चाहो तो मैं इसका सारा कुछ दे दूँगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ नया भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी ऐसे ही आप बना सकते हो सेम। और यहाँ पर गन की स्किन कहाँ गई हमारी, अभी ये रही गन की स्किन, मिल गई, ठीक है, इसको ओके करना है। और यहाँ पर ये जो गन की स्किन है,
हम लगा देते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये रहा ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, या ऊपर एडजस्ट कर दूँ ज़्यादा अच्छी लगेगा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और आपको क्या करना है, इसको स्ट्रोक दे देना है ठीक है। ये जो PNG जो गन की स्किन है इसको स्ट्रोक दे देना आपको वाइट कलर का। तो यहाँ पर हम स्ट्रोक दे देते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे तो अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा इस तरीके से इसको ले आओ, थोड़ा सा छोटा कर लूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अब ठीक लग रहा, पूरी हमारी गन दिख रही है, ओके कर दो। और एक PNG की और ज़रूरत है फ्रॉम गैलरी में जाके यहाँ पर ठीक है। नॉर्मली ये सब, ये रहा इस वाली को PNG को आप यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ भाई क्या बवाल हो गया ठीक है। अट्रैक्टिव थंबनेल बना रहे हैं यार हम लोग ठीक है। ये ऐसे करके हो गया, यहाँ पे लगा दो इस टाइप में ठीक है। ये हो गया, अब आपका थंबनेल जो है वो रेडी हो चुका है। आपको थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करो, ऊपर कॉर्नर पे इमेज साइज पे जाओ, यहाँ पे हमको फुल HD में बनाना है। तो आपको क्या करना है, 90:20 डन, फिर यहाँ पर आगे 180 ठीक है। तो ये फुल मतलब उसमें बनेगा, क्या बोलते हैं, फुल HD थंबनेल। थ्री डॉट पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करो, एक काम और करना है, कस्टम जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कस्टम, इस पर क्लिक करो, अल्ट्रा में सेव कर लो। भाई जो थंबनेल है ना अल्ट्रा में सेव होगा, मतलब अब मैं आपको दिखा देता हूँ थंबनेल, आपका जो थंबनेल बनाया हुआ ये भाई कहाँ गया, ये देखो ये रहा आपका थंबनेल ठीक है। मैंने एक पहल ये देखो। तो इस तरीके से भाई अपना फ्री फायर थंबनेल बना सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, हैप्पी प्रिंस गेमिंग की तरह बहुत ही इजी तरीके से। बताया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।